मोस्ट ऑफ अस लव विंटर्स, बट वी कांट डिनाई द फैक्ट कि विंटर्स के अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि क्लोथ्स धीरे धीरे ड्राई होते हैं, पफर जैकेट्स वार्डरोब में फिट नहीं होती, एक्सेट्रा। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि डेफिनेटली आप सभी के बहुत काम आएंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज इला एंड वेलकम बैक टू हर फैब वे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो, बट बिफोर दैट डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज हर फैब वे। फर्स्ट टिप इज फॉर ऑर्गेनाइजिंग योर पफर जैकेट्स। विंटर में हम अपनी वार्डरोब में स्वेटर्स, मफलर, थर्मस, ये सब तो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, बट इन पफर जैकेट्स को स्टोर करना मुश्किल होता है क्योंकि वो काफी ह्यूज होती हैं। स्पेशली इनकी स्लीव्स हमारी वार्डरोब में इजीली फिट नहीं होती। वी ऑल फेस दिस इशू, बट इसका बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप अपनी जैकेट की स्लीव्स को इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर लें। और अब बस अपनी जैकेट को नॉर्मली जिप अप कर लें। लेट्स फॉलो द सेम प्रोसेस फॉर ऑल द जैकेट्स। एंड देयर यू गो, अब आपकी वही जैकेट्स आपकी वार्डरोब में इजीली फिट हो जाएंगी। जस्ट लाइक दिस कट स्लीव्स जैकेट। ये टिप आप अपने बाकी फैमिली मेंबर्स की वार्डरोब में भी फॉलो कर सकते हैं, इवन दे विल बी हैप्पी। नेक्स्ट टिप इज टू यूज द राइट टॉवल्स। हम अपनी किचन में, बाथरूम में जो भी हैंड टॉवल्स हैंग करते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि विंटर्स में वो प्रॉपरली ड्राई नहीं हो पाते। स्पेशली जो कॉमन वॉश बेसिन होता है उसका हैंड टॉवल तो बिल्कुल ड्राई नहीं हो पाता, एंड इनफैक्ट एक पॉइंट के बाद हम उससे हैंड स्पोंज भी नहीं पाते। एंड यस, अगर वो वेट रहेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर बैक्टीरिया भी डेवलप होंगे। देयरफॉर आई विल सजेस्ट यू टू यूज दीज माइक्रोफाइबर हैंड टॉवल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइक्रोफाइबर टॉवल्स काफी थिन होते हैं और ये बहुत सॉफ्ट भी होते हैं। इनका साइज भी काफी अच्छा है एंड दे आर वेरी वेरी लाइट एज कम्पेयर टू कॉटन टॉवल्स। माइक्रोफाइबर टॉवल्स ज्यादा एब्जॉर्बेंट होते हैं, इसलिए हम इनको लॉन्गर टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। साथ ही में क्योंकि ये इतने थिन होते हैं तो ये क्विकली ड्राई भी हो जाते हैं। फॉर द सेम रीजन हम विंटर्स में माइक्रोफाइबर बाथ टॉवल्स ही यूज करते हैं। इसको मैं ऑलमोस्ट 2 years से यूज कर रही हूँ एंड इट्स स्टिल परफेक्ट। नो इशू ऑफ कलर फेडिंग एंड इट्स स्टिल वेरी सॉफ्ट। साथ ही में मैं राउंड द ईयर किचन में ये माइक्रोफाइबर नैपकिन यूज करती हूँ। किसी भी यूटेंसिल को क्विकली ड्राई करने के लिए ये नैपकिन परफेक्ट हैं। दे आर लिंट फ्री एंड क्योंकि ये इतने सॉफ्ट होते हैं तो आप इनसे वरी फ्री अपनी क्रॉकरी भी वाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज टू सील ऑल द गैप्स। विंटर्स में एक बार हमें अपने सारे डोर्स और विंडोज को प्रॉपरली जरूर चेक कर लेना चाहिए कि कहीं कोई गैप तो नहीं है जहाँ से हवा अंदर आ रही हो। जैसे कि ये मेरी किचन में एक विंडो और एक डोर है। As you can see, ये डोर कम्प्लीटली बंद नहीं होता, यहाँ पे ये थोड़ा सा गैप है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे ये फोम सील टेप। अगर आपके घर में भी कहीं से एयर लीक हो रही है, then this tape is just what you need. सिर्फ इसकी बैक साइड से ये स्ट्रिप रिमूव करनी है एंड देन आप इसको जहाँ भी रिक्वायरमेंट हो वहाँ स्टिक कर सकते हैं। ये टेप अलग अलग थिकनेस और लेंथ में अवेलेबल है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी चूज कर सकते हैं। एंड एज यू कैन सी, ये गैप कम्प्लीटली सील हो चुका है जस्ट इन 5 minutes। सिमिलरली मैंने लास्ट ईयर अपनी वीडियो में ये अंडरडोर सीलर भी रिव्यू किया था। अगर आपके डोर्स के नीचे गैप है तो आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। This is airproof, soundproof, dustproof and waterproof. Since it's foam, आप इसके extra part को easily cut कर सकते हैं। Next tip is for a handy blanket. In winters, we all love to snuggle under a blanket. Especially जब लिविंग रूम में बैठकर थोड़ा रिलैक्स करना हो तो हमेशा मन करता है कि कोई ब्लैंकेट हैंडी रहे ताकि हम कंफर्टेबली रेस्ट कर सकें। पर लिविंग रूम में हम ब्लैंकेट को ऐसे कहाँ रख सकते हैं कि जब यूज करना हो तो हैंडी रहे और जब यूज ना करना हो तो दिखाई भी ना दे। लेट मी शो यू। सबसे पहले आप अपने ब्लैंकेट को नीटली फोल्ड कर लीजिए
और उसके बाद इसको अपने लिविंग रूम के किसी भी कुशन कवर में रख लें। नो वन वुड नो कि ये कुशन नहीं ब्लैंकेट है। सी, ये इतना बड़ा ब्लैंकेट इसमें इजीली फिट हो गया। इस टिप को फॉलो करके आपका लिविंग रूम हमेशा नीट रहेगा और आपको ब्लैंकेट के लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बनानी होगी। एंड यस, जब भी आपको या आपके किसी भी फैमिली मेंबर को रिलैक्स करना होगा तो ब्लैंकेट भी हमेशा हैंडी रहेगा। माई नेक्स्ट टू टिप्स आर अबाउट वुलन केयर। सबसे पहले हम उनको ड्राई करने की बात करते हैं। वी ऑल नो कि विंटर्स में क्लोथ्स बहुत स्लोली ड्राई होते हैं, फर्स्टली बिकॉज ऑफ द वेदर एंड सेकेंडली क्योंकि वो बहुत थिक होते हैं। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे क्लोथ्स कंपैरेटिवली कम टाइम में ड्राई हो जाएं? सबसे पहले आप अपने उन क्लोथ्स को अलग कर लीजिए जिनको हम टंबल ड्राई कर सकते हैं और उनको साथ में ही वॉश कर लीजिए। जस्ट रन अ रेगुलर साइकिल जो आप हमेशा अपने वुलन्स के लिए फॉलो करते हैं एंड लेट द साइकिल फिनिश। एक बार साइकिल कंप्लीट हो जाए तो आपको बस एक छोटा सा स्टेप करना है, मशीन में सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्पिन साइकिल रन करिए। इससे आपके क्लोथ्स में जो भी रिमेनिंग वाटर होगा वो भी ड्रेन हो जाएगा एंड आपके क्लोथ्स कंपैरेटिवली कम टाइम में ड्राई हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप इज टू यूज गुड क्वालिटी वुलन केयर अप्लायंसेस। वुलन क्लोथ्स की हमें रियली प्रॉपर केयर करनी होती है, इसीलिए उनको वॉश करने के लिए भी हम हमेशा माइल्ड डिटर्जेंट्स ही यूज़ करते हैं। सिमिलरली उनको मेंटेन करने के लिए हमेशा गुड क्वालिटी अप्लायंसेस ही यूज़ करें। जैसे मैंने लास्ट ईयर 2 गार्मेंट स्टीमर्स रिव्यू किए थे, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो हैंड हेल्ड गार्मेंट स्टीमर्स भी यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड ब्लैक एंड डेकर, या फिर आप अपराइट गार्मेंट स्टीमर्स यूज कर सकते हैं, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड फिलिप्स। गार्मेंट स्टीमर यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इससे आप अपने सारे वुलन्स घर पर ही क्विकली स्टीम कर सकते हैं, चाहे वो कोट्स हो या फिर निटेड स्वेटर्स। एंड यस, इन पफर जैकेट्स को भी आप कन्वीनियंटली रिंकल फ्री कर सकते हैं। नेक्स्ट आई रिकमेंड कि आप एक गुड क्वालिटी का ही लिंट रिमूवर यूज़ करें ताकि आपके एक्सपेंसिव क्लोथ्स डैमेज ना हो। एक गुड क्वालिटी का लिंट रिमूवर आपको एक फर्म ग्रिप देता है, ये लिंट तो रिमूव करता है लेकिन आपके क्लोथ्स बिल्कुल डैमेज नहीं करता। लेट्स डू अ स्मॉल टेस्ट। एज यू कैन सी दिस स्वेटर इज कवर्ड विद लिंट। मैंने इसको सेंटर से मार्क कर दिया है और अब हम इसकी लेफ्ट साइड क्लीन करके देखेंगे। एंड क्योंकि ये कॉर्डलेस है देन दैट्स एन एडेड एडवांटेज। एंड जस्ट लुक एट दैट, विद इन सेकेंड्स ऑल द लिंट इज गॉन। इसमें एक और यूनिक एंड अमेजिंग फीचर है, इसके बैक साइड पर ये गार्मेंट ब्रश है जिसको यूज करके हम डस्ट, डैंड्रफ, फज एंड इवन पेट हेयर रिमूव कर सकते हैं। लाइक आई टोल्ड यू, ये एक कॉर्डलेस लिंट रिमूवर है, तो जैसे ही इसकी रेड लाइट ऑन हो जाती है तो इसको चार्ज कर लीजिए। इसके साथ में आपको USB केबल भी मिलती है, आप इसको डायरेक्टली लैपटॉप से या फिर किसी अडैप्टर की हेल्प से चार्ज कर सकते हैं। इसको चार्ज करके आप इसको ट्रैवलिंग के टाइम भी कैरी कर सकते हैं। माय लास्ट टिप इज टू एडजस्ट योर फ्रिज सेटिंग्स। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपने फ्रिज की सेटिंग हमेशा वेदर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी चाहिए, क्योंकि समर्स और विंटर्स में टेम्परेचर का बहुत डिफरेंस होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने फ्रिज की सेटिंग्स भी मॉडिफाई करनी चाहिए। ये हमारे फ्रिज के मैनुअल में भी क्लियरली मेंशन होता है। विंटर्स में टेम्परेचर ऑलरेडी काफी लो होता है, इसलिए हमें फ्रिज में कम कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी टेम्परेचर काफी लो है एंड नेक्स्ट फ्यू डेज में और लो हो जाएगा, इसलिए मैं इसके दोनों सेटिंग्स को मिनिमम कूलिंग पे एडजस्ट कर रही हूँ। अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो देखिए, यहाँ मैंने एक बोल में पानी भर के रखा था एंड यू कैन सी ये किस तरह से फ्रीज होने लगा है। दिस इज जस्ट वाटर, बट ऐसे तो हमारा लेफ्ट ओवर फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सब कुछ स्पॉइल हो सकते हैं, इसलिए डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो दिस टिप। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर इसके अलावा आप भी कोई विंटर हैक फॉलो करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून एंड सी यू सून एट हर फैब पे। बाय।